मंत्री माननीय श्री जय प्रताप सिंह जी, माननीय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी, श्री हरीश द्विवेदी जी, श्री शरद त्रिपाठी जी, माननीय विधायक, सभी माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी जिला के अध्यक्षगण, जिला प्रभारीगण, सभी उपस्थित पदाधिकारी और उपस्थित कार्यकर्ता बंधु, बस्ती कमिश्नरी की समीक्षा बैठक के लिए मैं आज बस्ती में आया था। एक सामान्य औपचारिक मिलन के कार्यक्रम के दृष्टि मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर कैसे उसे एक गति दी जा सकती है, इस दृष्टि से हम लोग बस्ती में आए हैं। उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद एक परिवर्तन करने का प्रयास हुआ है और वह परिवर्तन हर व्यक्ति महसूस कर सके, इस दृष्टि से हम लोगों ने अपनी कार्य योजना तैयार की है। उसी कार्य योजना को लेकर के इस समीक्षा बैठक यहां पर हुई है। सज्जनों, आप सब एक बात के लिए परेशान होते थे कि बिजली नहीं मिल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी की रणनीति के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने आप सभी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की जिस लड़ाई को जीता है, उसके अंतर्गत जो भी वायदे आप लोगों से किए गए थे, जनता से किए गए थे, उनको एक एक कर हम पूरा कर रहे हैं। बिजली की स्थिति सुधरी है, उसको और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों की समस्या के समाधान करने के लिए हम लोगों ने अब तक फसली ऋण को माफ करने के साथ साथ जिस किसानों के गेहूं क्रय की स्थिति ठीक हो सके और उसको उसकी उपज का दाम मिल सके, जहां यह योजना लागू की है, गन्ना किसानों को राहत मिल सके, इस दृष्टि से भी हम लोगों ने एक अभियान प्रारंभ किया है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पिछले वर्ष अब तक मात्र 4,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था, लेकिन इस वर्ष हम लोग अब तक 18,000 करोड़ रुपए का किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुके हैं। पिछले वर्ष प्रदेश सरकार ने गेहूं का कुल जितना क्रय किया था, आज हम उससे लगभग 10 गुना अधिक गेहूं का क्रय अब तक कर चुके हैं और आने वाले समय में इसमें और बढ़ोतरी होनी है। विकास की योजनाएं आगे बढ़ सके, आम जनमानस इसका लाभ ले सके, इस दृष्टि से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम लोग आज यहां पर आए थे। बस्ती और एक कमिश्नरी गन्ना क्षेत्र है, यहां के चीनी उद्योग के लिए क्या कार्यक्रम आगे बन सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने गंभीरता से विचार किया है और हम लोगों का प्रयास है कि इस वर्ष हम लोग बस्ती की कम से कम एक चीनी मिल नई हम लोग बस्ती जनपद को दें। बंद चीनी मिलों को भी हम कैसे प्रारंभ करने या उनके स्थान पर नया चीनी मिल कैसे हम लगा सकें, इसके बारे में भी कार्य योजनाएं तैयार हो रही हैं, बातचीत चल रही है। हमें विश्वास है कि कानून व्यवस्था की स्थिति तो प्रदेश में सुदृढ़ होगी ही, साथ ही साथ विकास की योजनाओं को भी एक नई गति देते हुए हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सबका साथ सबके विकास के उस भाव को आगे बढ़ा सकेंगे और इसमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। बंधुओं, हम लोगों ने एक बात के लिए स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में कानून का राज होगा, लेकिन कानून का ये राज हो इसके लिए आप सबको
भी उस कानून के दायरे में रह करके अपनी बात को रखनी होगी और कार्यकर्ताओं को भी इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अब वे विपक्ष में नहीं बल्कि सरकार में है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी उनकी सरकार है। इसलिए अपनी सरकार की कार्य पद्धति को आम जन तक पहुंचाने का दायित्व आपके ऊपर है और खास तौर पर तब ये बात आवश्यक हो जाती है जब केंद्र की आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल 26 मई को पूरा हो रहा है। इन 3 वर्षों में जितनी योजनाएं केंद्र की सरकार ने घोषित की हैं, उन योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का दायित्व और आम जन तक उसका व्यापक प्रचार प्रसार हम कर सकेंगे तो वास्तव में एक कार्यकर्ता के रूप में, एक पदाधिकारी के रूप में जनता से किए गए अपने वायदे को हम निचले स्तर पर अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक उसके लाभ के रूप में देख पाएंगे और इसका व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने की आवश्यकता है। 26 मई से जो कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं उस कार्यक्रम में हमारे माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और केंद्रीय मंत्रीगण, पदाधिकारीगण, ये सभी लोग आने वाले हैं। वे जब लोग आएंगे व्यापक कार्यक्रम होने चाहिए। एक तो इस योजना को आप लोगों को प्रचार प्रसार की दृष्टि से लेना होगा, दूसरा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छता के क्रम में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की रेटिंग बहुत खराब है। हमें अपने गांव, अपने कस्बे, अपने जनपद को स्वच्छ और सुंदर बनाने का दायित्व अपने हाथों में लेना होगा। प्रदेश सरकार इस संबंध में आपको भरपूर सहयोग करेगी और इस दृष्टि मैं चाहूंगा कि आप लोग मिलकर के इस अभियान को सफल बनाएं। इसमें जो भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी हमारे माननीय सांसद और विधायकगण इसमें आपका सहयोग करेंगे। व्यापक जन जागरण अभियान इस दृष्टि से प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता है ताकि यह सरकार प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने, प्रदेश के विकास के लिए संकल्पित है और इस संकल्प के साथ आपको जोड़ने के लिए आज मैं बस्ती में आया हूं। बस्ती जनपद की व्यापक स्तर पर समीक्षा बैठक हुई है, हमारे सभी माननीय सांसद और विधायकगण भी बैठक में थे। मुझे विश्वास है कि यह क्रम निरंतर जारी रहेगा। स्थानीय निकाय के चुनाव भी आने वाले समय में होंगे, संगठन के साथ बैठ करके उसकी रणनीति तैयार होनी चाहिए, मतदाता सूची के पुनरीक्षण की कार्रवाई प्रारंभ होनी चाहिए, यह अभियान आगे बढ़े और भारतीय जनता पार्टी सरकार की कार्य पद्धति को स्थानीय निकाय इकाई के माध्यम से आम जन को लाभान्वित करने के लिए हम प्रयास कर सकें। यह एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आपका दायित्व है और इसके लिए सरकार आपको हर प्रकार का सहयोग करेगी। इस दृष्टि से आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं इस क्षेत्र के जनपद, तीनों जनपद बस्ती, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर जनपद से जुड़े हुए आप सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को हृदय से साधुवाद देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विश्वास करता हूं कि केंद्र और प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों को आम जन तक पहुंचाने में आप सहभागी बनेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम।